बेटा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अकाउंटिंग फॉर क्वालिफाइंग हेजिंग रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई टाइप्स ऑफ हेजिंग रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं। एन एंटिटी अप्लाइज हेज अकाउंटिंग टू हेजिंग रिलेशनशिप्स दैट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेजिंग रिलेशनशिप, एक फेयर वैल्यू हेज, दो कैश फ्लो हेज, तीन हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस। बारी बारी से हम इनको समझेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर फेयर वैल्यू हेज। अ फेयर वैल्यू हेज इज अ हेज ऑफ द एक्सपोजर टू चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी और एन अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट और अ कंपोनेंट ऑफ सच एनी सच आइटम दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू ए पर्टिकुलर रिस्क एंड कुड अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस। इसको हमने समझना है। देखिए बेसिकली फेयर वैल्यू हेज जो है उसमें हमने समझना है कि इफ इज द हेज्ड आइटम एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर जो हेज्ड आइटम है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो उस केस में जो भी गेन और लॉस होगा वो कहां रिकॉग्नाइज्ड होगा, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, और बाकी सब केस में गेन और लॉस कहां रिकॉग्नाइज होगा, पी एंड एल में। तो बेटा बेसिकली दो बातें होती हैं, एक हेज्ड आइटम, एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। दो चीजें हो गई, गेन और लॉस इन केस हेज्ड आइटम इज इक्विटी थ्रू एफ वी ओ सी आई अदर्स। तो इसमें ओसीआई में आप जो भी गेन और लॉस है हेज्ड आइटम का, जो भी गेन और लॉस है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉग्नाइज करेंगे, वहां दिखाएंगे, और बाकी सब केसेस में आप पी एंड एल में दिखाएंगे। तो ये बात है। तो अगर आपका जो एसेट है वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी पे आपको लॉस प्रॉफिट होगा और उसके हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में जो लॉस प्रॉफिट होगा वो आप कहां दिखाएंगे, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, क्योंकि इक्विटी को आप फेयर वे आपने डेजिग्नेट किया है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, और बाकी सभी आइटम्स के लिए, बाकी सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए, अनरिकॉग्नाइज फर्म कमिटमेंट्स के लिए, जो भी हेज्ड आइटम और रिलेटेड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट या लॉस होगा वो कहां रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पी एंड। तो ये आपको सारी बातें क्लियर हो गई जो यहां पर मैंने डायग्राम में दिखाई। अब ये हेजिंग गेन और लॉस जो होता है हेज्ड आइटम से, तो उससे हम हेज्ड आइटम की कैरिंग अमाउंट को चेंज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं मैं भी आपको दिखाऊंगा। और नीचे मैंने यही बोला है गेन और लॉस मतलब दोनों के ऊपर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और हेज्ड आइटम, तो यहां मैंने दिखा भी दिया हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन और लॉस और हेज्ड आइटम का गेन और लॉस। अगर वो इक्विटी थ्रू एफ वी ओ सी आई है तो ओ सी आई में जाएगा, बाकी सब केसेस में पी एंड एल में जाएगा। तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और जो भी गेन लॉस होगा उससे आप जो कैरिंग अमाउंट है हेज्ड आइटम का उसको एडजस्ट कर देंगे, क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन। अब एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है 20 लाख बॉन्ड्स पर जिसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई किया गया है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल एसेट, और जब उसने इन्वेस्ट किया तो उसकी फेयर वैल्यू भी 20 लाख है। अब कंपनी को डर लग रहा है कि यार कल को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, वैसे आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है ना तो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है। सोचो क्यों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो जो नए बॉन्ड्स
इशू किए जाएंगे उन पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और जो पुराने बॉन्ड्स हैं उन पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उनकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। लोग कहेंगे तो घटिया बॉन्ड है, इसमें तो इंटरेस्ट कम मिलता है, नए बॉन्ड में इंटरेस्ट ज्यादा है, तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है ताकि उनका भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सस्ता खरीदोगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ जाएगा ना, वो बढ़ जाए। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड रेट्स बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते हैं तो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। रिवर्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए कंपनी को लग रहा है, अभी रिस्क आ गया ना भाई साहब, कंपनी को लग रहा है यार कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तुम्हारे तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी। तो इसलिए कंपनी ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर कर लिया। कंपनी एंटर्स इनटू इंटरेस्ट रेट स्वैप जिसकी फेयर वैल्यू अभी जीरो है, टू ऑफसेट द रिस्क ऑफ डिक्लाइन इन फेयर वैल्यू द स्वैप इज एक्सपेक्टेड टू बी 100% इफेक्टिव। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने क्या करा, एक दूसरी बैंक के साथ टाई अप कर लिया कि भाई ये जो मैंने बॉन्ड खरीदे हैं 6% है, पर मैं इस पर वेरिएबल इंटरेस्ट चाहता हूं, तो स्वैप कर लिया। उसमें क्या होगा, अब जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपनी को वो ही मिलेगा बैंक से जिससे भी उसने स्वैप एंटर किया, और फिक्स रेट उसको मिल जाएगा। तो स्वैप के अंतर्गत क्या होगा कि कल को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हुआ तो जो बैंक है वो इस कंपनी को 6% इंटरेस्ट मिलेगा अपने बॉन्ड पे, 1% इंटरेस्ट बैंक दे देगा। और अगर कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया तो इस कंपनी को जो बैंक 6% इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 1% इंटरेस्ट बैंक को दे देगा। तो यानी अब कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया बॉन्ड में उस पर उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली नहीं मिलेगा, इफेक्टिवली क्या मिलेगा, वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसने इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर कर लिया। तो उससे क्या होगा, उसकी इंटरेस्ट इनकम तो वेरी करेगी पर बॉन्ड का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी पर स्वैप की वैल्यू उतने से ही बढ़ जाएगी क्योंकि स्वैप 100% इफेक्टिव है। और इसी तरह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी पर जो स्वैप है आपका स्वैप कॉन्ट्रैक्ट उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो वो जो स्वैप की स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी बॉन्ड की वैल्यू से, और उस पर जो गेन और लॉस होगा उसको वो ऑफसेट कर देगी। तो अब कंपनी ने जब इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर किया तो अपने आप को हेज कर लिया। द कंपनी डेजिग्नेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स द स्वैप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, कंपनी ने इस चीज को डॉक्यूमेंट भी कर दिया। अब मार्केट रेट देखिए वही हो गया 7%, जिससे फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड गिर के क्या हो गई 19,20,000। तो फॉल इन वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या हो गई 0.8 लाख, यानी 80,000। पहले बॉन्ड की फेयर वैल्यू क्या 20 लाख, अब 19,20,000 हो गई। पर इसके साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ स्वैप हो जाएगा बाय 80,000.8 लाख। क्यों, क्योंकि जो स्वैप है वो 100% इफेक्टिव है। अब बताइए कैसा लगा। अब कहता है भाई डबल एंट्री द्वारा इसको रिकॉर्ड करिए, ठीक है। अब होता क्या है, जब अब होगा क्या, उसने बोला शो डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द हेज इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब जैसा कि अभी पिछले वाले मैंने टॉपिक में आपको बताया था, ये देखिए, अब ये तो बॉन्ड का केस है तो अदर्स की कैटेगरी में लाइज करेगा। जो भी हेज आइटम का प्रॉफिट और लॉस है वो पीएनएल में जाएगा, और जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रॉफिट और लॉस है वो भी पीएनएल में जाएगा। तो अब इसमें जो बात बनेगी वो ये बनेगी, एक जो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड है उसकी वैल्यू कम होगी, ये लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन 6% बॉन्ड्स, 80,000 से वैल्यू कम हो गई। सारी बातें कवर हो गई कि नहीं हो गई, ये देखिए क्या बोला था, हेजिंग गेन और लॉस ऑन हेज्ड आइटम एडजस्टेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ हेज्ड आइटम। तो हेज्ड आइटम का जब आपने परचेज किया होगा तो एंट्री क्या की होगी, एट द टाइम ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट इन 6% बॉन्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एट द टाइम ऑफ परचेज आपने ये एंट्री की होगी 20 लाख। नरेशन में से
मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बींग इन्वेस्टमेंट मेड इन 6% बॉन्ड्स फॉर रुपीज 20 लाख्स। तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट, बाद में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो बींग लॉस इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप दो एंट्री भी कर सकते हैं चाहे तो, यहां लिख दीजिए लॉस इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन 6% बॉन्ड, फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे लॉस हुआ तो फेयर वैल्यू ऑफ स्वैप बढ़ जाएगी 80,000 से, वो हमारा गेन है। तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। तो आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरफ आपने लॉस दिखा दिया बॉन्ड की वैल्यू में, दूसरी तरफ गेन दिखा दिया स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में। तो आपका जो ये स्वैप था इसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो 100% थी, लॉस गेन आपस में सेट ऑफ हो गया। तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये एंट्री होती है। चाहो तो आप इसकी भी दो एंट्री कर सकते हो, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू लॉस टू गेन इन फेयर वैल्यू ऑफ स्वैप कंट्रोल टू गेन इन फेयर वैल्यू ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 80,000, फिर गेन इन फेयर वैल्यू ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो तो आपको पता है, एक एंट्री से भी कर सकते हो, दो से भी कर सकते हो। पहले आप इस केस में लॉस डेबिट कर देना, फिर लॉस पी एंड एल में ट्रांसफर कर देना। इस केस में आप पहले गेन क्रेडिट कर देना, फिर गेन पी एंड एल में ट्रांसफर कर देना। चाहो तो एक एक एंट्री की जगह दोनों दो दो एंट्री भी आप कर सकते हैं। कैसा लगा? अब कंपनी को बाद में 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा बॉन्ड से, और 6% और 7% का जो डिफरेंस है, क्योंकि 7% हो गया ना 1%, वो मिल जाएगा स्वैप बैंक से जिसके साथ उसने स्वैप किया। तो 6% 20 लाख का क्या होता है, 1,20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट इनकम 1,20,000, ये बॉन्ड पे मिल गया। 1% जो डिफरेंस है वो किससे मिलेगा, स्वैप से, स्वैप बैंक से, उसकी भी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट इनकम 1% यानी 20,000। तो 1,20,000 तो मिल जाएगा उस कंपनी के जिससे बॉन्ड खरीदे, और 1% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है वो स्वैप बैंक से मिल जाएगा जिसके साथ कंपनी ने स्वैप के अंदर एंटर किया। अब बताइए सारी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं। तो वो तो खैर इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, जो हेजिंग से रिलेटेड एंट्री है वो ये दो है। अब बताइए मजा आया कि नहीं फेयर वैल्यू हेज का, सही से बताइए। तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू हेज। और यही चीज मान लो बॉन्ड की जगह इक्विटी होती है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो फिर जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में गेन और लॉस ट्रांसफर किया, फिर वो किस में जाता, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होता। आगे होगी बात समझ में, मजा आ गया, थम्स अप, ग्रेट।